नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पीएमई विद्या चैनल्स और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चैनल नंबर 9 पर हाजिर हैं हम मैथमेटिक्स का लाइव इंटरैक्टिव सेशन लेकर, इन विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स पार्ट 2, यानी कि पहले आप पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज क्वाड्रिलेटरल्स में क्या है, आइए जान लेते हैं। आप भी हमारे साथ इस लाइव इंटरैक्टिव सेशन का हिस्सा बन सकते हैं टेलीफोन नंबर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से। हमारे साथ हमारी जो एक्सपर्ट है मिसेस बीना प्रकाश जुड़ गई हैं। आप सीनियर पीजीटी हैं मैथमेटिक्स फ्रॉम कैंपियन स्कूल भोपाल। बीना जी नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम। नमस्ते सबको। जी, क्वाड्रिलेटरल्स पार्ट 2 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं एंड व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, और क्या हम कवर कर चुके हैं पार्ट 1 में? हाँ, तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि इन एनी क्वाड्रिलेटरल, अगर इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, दैट इज ये एक पेयर है, दिस इज वन पेयर, बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है, तो दिस क्वाड्रिलेटरल बिकम्स अ पैरेललोग्राम। ओके, और इफ बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट इज ये साइड इस साइड की इक्वल है एंड इस साइड की इक्वल है, देन दैट स्टिल दिस क्वाड्रिलेटरल विल बी अ पैरेललोग्राम। एंड इफ ईच, दैट इज इवन इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, दैट इज एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड एंड दे आर पैरेलल एंड इक्वल, दे आर स्टिल पैरेललोग्राम। और डायगोनल्स दे बाइसेक्ट ईच अदर, इट्स अ पैरेललोग्राम। सो अभी कभी भी हमें क्वाड्रिलेटरल में ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो देन वी नीड टू अज्यूम दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। उसके आगे हम आगे करेंगे, इज इट क्लियर? तो जब भी कभी क्वाड्रिलेटरल में ये इंफॉर्मेशन, इनमें से एक भी इंफॉर्मेशन देखेगा तो दैट मीन्स हम वो क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट, अ पैरेललोग्राम is a rhombus, that is it's a special type of rhombus. When will it be a rhombus? If all its sides are equal. Ye sare charo sides, any parallelogram, if all its sides are equal, then it is known as a rhombus. Likewise, it is a rectangle if each interior angle is 90 degree. This PQRS is a rectangle if each of its measure, that is angle measures 90 degree. Aur last mein jo hai wo hai square. स्क्वायर क्या है? स्क्वायर इज एक्चुअली अ रॉम्बस विद ईच एंगल मेजरिंग 90 डिग्री। सो ये सब प्रॉपर्टीज है दीस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम का। सो इसको यूज करते हुए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज, दैट्स द फर्स्ट एक्सरसाइज। अब इसमें क्या लिखा है? वी हैव सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दे बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट एक बाइसेक्ट है, एट राइट एंगल्स, देन इट इज अ रॉम्बस। ये अपने को प्रूव करना है, दैट्स अ स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, राइट? नाउ अब आप देखिए ध्यान से, ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी जो मैंने बना दिया है, इट्स अ स्पेशल टाइप, कोई बात नहीं। नाउ व्हाट इज गिवन? एओ परपेंडिकुलर टू बी डी, एओ परपेंडिकुलर टू बी डी, एओ परपेंडिकुलर टू बी डी मीन्स दीज टू मेजर्स 90 डिग्री। Also, AO bisects BC, ये तो दिया हुआ है information. They are using those information. AO is bisecting OD. So actually, where is this point A? ये इस point के बारे में ध्यान से लिखिए. A is on the perpendicular bisector of BD. A is on the perpendicular bisector of BD. तो ये हमने पिछले क्लास में किया था geometry में, lines and angles में किया था। If any point is on the perpendicular bisector of a line, then that point is equidistant from those two points, that is AB and AD will be equal. AB and AD will be equal, right? So we get this information that this AB and AD are equal. Likewise, अब वापस दूसरे point पर देख लीजिए। B is on the perpendicular bisector of AC, ये दिया हुआ है आपको, because AC और BD दोनों एक दूसरे के perpendicular bisectors हैं, so we can treat that BD is perpendicular bisector of AC. So in that case, B जो point है is also on the perpendicular bisector of AC. तो अब हमें क्या information मिल रहा है कि the side BA will be equal to BC. ये साइड में लेगा अपने को। अब आप देखिए, ये एक रिजल्ट है, ये एक रिजल्ट है। सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर? इससे क्या मिल रहा है अपने को? ये दो तीन, तीन साइड्स इक्वल हो गए। लाइकवाइज वी कैन आल्सो हैव सी ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी डी, तो अब आपको क्या मिलेगा? बी सी एंड सी डी दे आर इक्वल। तो अब हमें फाइनली क्या लिख रहा है?
ऑल फोर साइड्स दिख रहा है ना, ऑल फोर साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलैटरल आर इक्वल. तो अभी डेफिनेशन किया था हमने कि इफ ऑल फोर साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल देन इट बिकम्स अ रोम्बस. ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट क्वेश्चन? Diagonal AC of a parallelogram ABCD bisects angle A. Bisect angle A means ये दोनों angle equal है. Okay. That is, we have this. Let me take. हाँ, ठीक है, okay. Show that it bisects angle C also. ये दोनों angle भी equal है. Okay. Look at this expression. ABCD क्या है आपका? Parallelogram. And what we have in a parallelogram? The opposite angles are equal. That's a one information. Apart from that, we also have the information that the opposite sides are parallel. So we have DA parallel to CB. Ab DA parallel to CB hai, to AC is known as a transversal. Ye transversal hua hai. This is again lines and angles mein humne padha hai. This AD parallel to CB, AC transversal to these two pairs, that is DAC. Ye jo pair hai, this particular pair DAC and ACB, they will be equal. Why? They form a pair of alternate angles. They are pair of alternate angles. The pair of alternate angles are equal if the lines they form, that is AD and BD are, BC are parallel. This is important point. Likewise, aapke paas dusra information hai ki next dusra jo pair hai, wo bhi parallel hai. DC is also parallel to AB. So there is another set of alternate angles. एक और सेट ऑफ अल्टरनेट एंगल है क्योंकि एसी स्टिल है ट्रांसफर एसी एंड दिस एंगल सी ए बी दैट इज ऑल्सो इक्वल. सो दीज टू एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. सो वी गेट द टू अल्टरनेट एंगल्स इक्वल बिकॉज ऑफ द साइड्स दैट वी हैव एज अ पैरेलल ऑफ अ पैरेललोग्राम. सो अब इन दोनों को देखिए, ए एंगल ए को जो बाइसेक्ट कर रहा है एसी, सो दीज टू एंगल्स आर इक्वल, दैट इज डी सी ए, डी सी A and ACB will be equal. Why are they equal? ये देखिए, ये दोनों DAC, DAC and CAB, ये दोनों angles why are they equal? Because AC bisects, we have angle DAC equal to angle BAC. They are bisect. A is bisected by AC, तो ये दोनों angles equal हो गए. Hence, the equals are equal. We have said it in equals are equal, that they'll be equal to each other. So, ye dono ek dusre ke equal log hai. So, this is what we had to prove for. If this two angles equal, then this line AC is bisecting the whole of this angle DCB. Ye pura angle DCB ko AC bisect karta hai. So, we get this result, that is AC bisect angle C. ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज आपको अभी भी ये प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है, सॉरी दिस पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस. अब आपको ये प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम रोम्बस होगा. सो व्हेन कैन यू प्रूव दैट इट्स अ रोम्बस? व्हेन कैन यू प्रूव दैट इट्स अ रोम्बस? अ पैरेललोग्राम रोम्बस, अभी एक क्वेश्चन किया था, व्हेन ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल. अब आप देखिए, एंगल ए एंड एंगल सी आर इक्वल, दैट्स ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, दे आर इक्वल. So half उसका half angle भी equal होगा. आप उसका measure देखा, half angle. So that gives us this result, that is DCA is equal to DAC. If DCA is equal to DAC, what we have from there? DCA, DCA is equal to DAC. So they form opposite angles of a triangle. Hence, the opposite sides are equal. Equal. The opposite sides of this triangle, in this triangle DCA, they will also be equal. So we get that in this parallelogram ABCD, the adjacent sides are equal. AD is equal to DC. And why is it a rhombus? Because ABCD is a parallelogram. It's a parallelogram. So we already have the adjacent sides. This is, we have opposite sides equal. Opposite sides, they are equal. Now, if they are equal to the adjacent sides, then all four sides will be equal. Hence, we get this is a rhombus. A parallelogram, if adjacent sides are equal, then that is a rhombus. Okay?
Now, next question is ABCD is a rectangle in which AC bisects angle A as well as C. AC जो है angle A और C को bisect करता है. That means these two angles measure are equal. Likewise, these two angles measure are also equal. Now you have to prove that this ABCD जो है वो एक square है. ABCD already एक rectangle है. We know that it is a rectangle. अब the rectangle है तो it is going to be a parallelogram. If it is a parallelogram, its opposite sides are equal. ये तो information. Now when will this be a square? When will this rectangle be a square? This rectangle will be a square if its adjacent sides are equal. अगर आपको adjacent sides equal prove कर लिए, then they will be. अब आप देखिए, we have again same result. Angle A equal to angle C because angle A and angle C are equal. They are opposite angles of parallelogram. You can write this way, parallelogram. ठीक है, so they are equal. अब उसका आधा ले लीजिए. What is its half? We get angle BAC, and that is equal to BCA. So we come to know that this is these two angles will also be equal. So again, the same situation for any triangle ABC. If two angles are equal, then the sides opposite to them will also be equal. So in this triangle ABC, we find that उसके भी opposite side, that is these two sides are equal. We have AB equal to BC. So a rectangle with adjacent sides equal, they are going to be a square. So this is a square. So is this clear? Yes. Now next is we have to prove that the diagonal B and C is also bisect. That is a diagonal bisects angle B as well as angle D. That is आपने ये जो diagonal बनाया है, it is bisecting these two angles also. अब आप देखें, मैंने एक square ही बना दिया ABCD. Now this figure is now a square. It's not a rectangle. हमारे पास तो square मिल गया. अब हमें क्या prove करना है कि ये जो diagonal दूसरा diagonal है BD, it is bisecting the respective angles. अब उसके लिए क्या प्रूफ करना है? सेम वे AB is equal to AD because it is a square. Hence, these two measures will be equal. ABD, ABD, ADB, they are equal. ये दोनों तो equal है. Also, ADB, ADB जो है, this is equal to DBC. Why are they equal? Why are they equal? This angle is equal to this angle. Why is it that they are equal? Because AD and BC, they are parallel. ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, so this is a transversal, so obviously these two angles will be equal. So if these two angles are equal and this angle is already equal to this, what do we get? Angle DBA and CBD, ये दोनों angle ABD and DBC are equal. Exactly the same way you can prove that these two angles will also be equal. Hence the diagonal BD bisects that both angle B as well as angle D. Okay. Shall I move on to the next question? Yes, please. Now, the next question says that you have a parallelogram ABCD. Okay. Now, two points P and Q are taken on the diagonals BD and DP. BD. देखिए, इसमें two points are there. P and Q are on the diagonal BD. इस डायगनल पे यू हैव टू पॉइंट्स. अब इसमें दिया है मेजर डीपी. दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ. फाइन. अब इसको यूज करते एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी हैव? हमारे पास वो सारी इंफॉर्मेशन है अबाउट अ पैरेललोग्राम. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. Opposite angles are equal. Both the pairs of opposite angles, both the sides, they are equal. Both the pairs of opposite sides are parallel to each other. So, ये सारे informations को use करके क्या हम ये prove कर सकते हैं क्या? That's a question that we have. ठीक है? Now, to start with, first question, triangle APD congruent to triangle CQB. अब आप वापस चले जाइए last chapter में, last chapter number 7, that is triangle, where we prove the congruence of a triangle. So we have to prove the congruence of the triangle APD and BQC. So aapko yaad karna padega, we'll have to recollect those points. When can the two triangles be congruent? Then we have the congruence relation, that is you have either SSS
और एस ए एस और ए एस ए और द लास्ट वन इज आर एच एस. वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस? वी हैव डिस्कस्ड इन लेंथ ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंस साइड साइड साइड. दैट इज आप इन दोनों ट्राइंगल्स का विद द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव लुक फॉर द थ्री साइड्स इक्वल. इफ नॉट, अगर आप थ्री साइड्स नहीं प्रूव कर सकते, यू कैन गेट वन एंगल बिटवीन टू साइड्स इक्वल, और दो एंगल है उसके बीच का साइड इक्वल है, और लास्ट वन वन इज राइट एंगल, दैट इज एक एंगल 90 डिग्री है, एक हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री, ऑपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज, एंड एनी वन ऑफ द ट्राइंगल साइड ऑफ द ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इक्वल टू द 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज एंड साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल. इनमें से कोई रिलेशन प्रूफ हो सकता है क्या इसके लिए? लेट्स सी. नाउ एपीडी, एपीडी, कैन यू सी दिस ट्राइंगल? एज लोकेट कर पा रहे हो? सी क्यू बी. Now, what is the first information that we have? Ki they are on, that is ABCD is a parallelogram. So, what we do, we get DP. DP is equal to BQ. Q diya hai? Kyunki that is already given. So, that's given. Next is AD and BC. They are equal. AD and BC, they are equal because they are the opposite sides of a parallelogram. They are ABCD is a parallelogram diya hai ye. So they are the opposite sides of a parallelogram. Hence these two sides are equal. So ab hamare paas do information mil gaya. Ek ek side ke bare mein hai aur ek dusra bhi side ke bare mein hai. Now we look for the third element in these two triangles. Ab ye third element jo hai, third side dikh raha hai AP and QC. When you see the second part of the question, says aapko wo bhi prove karna hai, that is it is not given to us. So therefore we rule out this part, that is ये पार्ट रूल आउट हो गया हमारा, क्योंकि थर्ड साइड के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. सो देन वी हैव एन ऑप्शन कि दो साइड दिया है, कैन यू आइडेंटिफाई द एंगल बिटवीन देम इक्वल? अब आप ध्यान से देखिए, इन दोनों साइड के बीच का, इन दोनों साइड मतलब एडी और पीडी के बीच का एंगल, व्हाट इज दैट एंगल? इज इट एंगल दिस एडीपी? इज इट एंगल एडीपी? नाउ ये जो एंगल एडीपी है, can you prove that it's equal to QBC? That's the question. ये दोनों equal हो सकते हैं क्या? Definitely हो सकता है, क्योंकि AD is parallel to BC. ये दोनों एक दूसरे के parallel है. Parallel होने के कारण ये जो transversal, this is one line, उसमें दो points है. So we are not taking up this point, but still this is a straight line. BD is a straight line. This line पे you have two points. एंगल्स मेजर विल नॉट चेंज. ये एंगल का मेजर वही रहेगा, ए डी बी और ए डी पी, इट्स द सेम थिंग. सो दीज टू मेजर्स विल ऑल्सो बी इक्वल. सो वी हैव गॉट ऑल द थ्री क्राइटेरिया. सो देयरफॉर व्हाट वी प्रूव दैट द ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट. सो वी हैव प्रूव द फर्स्ट पार्ट थ्रू द एस ए एस कॉन्ग्रुएंस. इज इट क्लियर? ओके. नाउ द सेकेंड पार्ट. नाउ द सेकेंड पार्ट इज इन ट्राइंगल. अब इसके कंटिन्यूशन है, ये जो पार्ट है AP equal to CQ, AP and CQ, AP and CQ, how are we going to prove? Don't we see that AP and CQ are the third side, that is one element of the two triangles, and that happens to be the third side of the two triangles. So when the triangles are congruent, every element of the two triangles will be congruent, same, hamesha rahega, that's the rule of congruence. So obviously the third side will also be equal. So we have that AP is equal to CP, right? Okay. Now we move on to the next. That is, we have, this is AQB. Likewise, we can also prove that triangle AQB and triangle CPD are also congruent. So we have the two sides. These two sides will be equal. ये ऑलरेडी इक्वल है, एंड द थर्ड एंगल दैट इज इंक्लूडेड एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल है, द टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय एसएएस. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ इट, एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम. नाउ वी हैव एपीसीक्यू. अब आप बताइए एपीसीक्यू पी, एक्यूसीपी, व्हाई शुड दिस बी अ पैरेललोग्राम? दैट्स द क्वेश्चन. अब आप ये रिजल्ट देखिए, एपी एंड सीक्यू आर इक्वल. AP and CQ are equal, हमारे proof हो चुका ये result, and also we have proved that इसमें से AQ is equal to CP, we have proved that AQ
is equal to CQ because these two triangles are congruent, hence this third element, these two sides will be. So what information do we have regarding this quadrilateral AQCP? Dono pairs, opposite pairs, are they not coming out to be equal? Hello Rahul ji, ye dono pairs, opposite pairs, are they not equal? Dono equal ho gaye, AB, AP and QC are equal, AQ and PC are equal. So what do we get? If both the pairs are equal, then the triangle, that the parallelogram, that quadrilateral will be a AQ is equal to, we have AQ is equal to PC as well as AP is equal to QC. So therefore, AQCP is a parallelogram. So we have proved the fourth result also. Right? Now we move on to the next one. बीना जी हमारे पास सिर्फ एक मिनट का समय रह गया है आपको सेशन कंस्ट्रक्शन की जरूरत है इसको प्रूव करने के लिए. We take up a construction of CE parallel to AD. जब आप CE parallel बनाएंगे AD पे, तो we'll extend this AB. So when both lines intersect, that point is marked as E. So now what do we know about this ABE? ABE and DC, they are parallel. Because that is already parallel. AB is parallel to CD दिया है. So ABE and CD are parallel. Likewise, AD and CE are parallel by construction. So therefore, isn't ADC a parallelogram? Opposite pairs are parallel, hence it is a parallelogram. So what we get from here is AD and CE. AD will be equal to AD will be equal to CE. Also, AD is equal to BC. Diya hua hai, is given. So don't we have this result? CE is equal to BE. But now we have that these two sides are equal of the triangle BCE. So when these two sides are equal, the opposite triangle, that is angle I is equal to angle E, that will also be true. Now look at the sixth relation. Angle 1 plus angle AB, linear pair hai. Angle A plus angle E, that is also 180 degree. It's not because they are linear pair, they are the sum of the opposite angles of a, that is their line ACD is parallel to. This is because CD is parallel to, CE is parallel to AD. We have this result. Now we have the sum of the two angles 180 degree. That is okay. Now, ab isme apne pas I and E equal hai, so they get cancelled. So are we not left with angle DAB and ABC? Wohi jo proof karne ke liye bola. Right. Similarly, hum isko ADB se, we can prove that BC is also equal. Right? Now, for the last 1 minute hai, sir. Sir, bilkul, madam, time over ho chuka hai. Mujhe aapse guzarish karni hogi ki aap apna session conclude karein, please. और आप यहाँ पर विराम लें. यदि कुछ रह गया है कोरिलेटरल्स का हमारा कुछ हिस्सा, तो मुझे लगता है कि हम एक और सत्र करेंगे जिसमें कि ये पूरा पार्ट हो सके. चलिए ठीक है, नहीं तो वे लास्ट मोमेंट बस एक और चलिए कोई बात नहीं, हम अगली बार के लिए उसको रखते हैं ताकि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का एक सम्मिश्रण आप प्रस्तुत करें और बच्चों को उससे और ज्यादा लाभ हो. आप हमारे साथ जुड़ी बीना जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. इस मैथमेटिक्स के सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. हमारा ये मैथमेटिक्स का सेशन यही समाप्त होता है. कहीं मत जाइएगा, साइबर सिक्योरिटी पर आधारित हमारा अगला सेशन जो कि है वेबिनार, देखना ना भूलिएगा. अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में पीएम ई विद्या चैनल्स पर. नमस्कार.